जॉर्ज सोरोस, ये वो व्यक्ति है जो भारत को कमजोर करने का सपना देखता है। ये वो व्यक्ति है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में राष्ट्रवादी सरकारों को उखाड़ फेंकना है, जो देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर चोट कर वहां सरकारें बनाने और गिराने का काम करता है। 1992 में इसने बैंक ऑफ ब्रिटेन को बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद वहां की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार गिर गई थी। 2003 में सोरोस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को सत्ता से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अब इसकी बुरी नजर भारत पर पड़ी है। इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग केस। इट्स अ डेमोक्रेसी बट इट्स लीडर नरेंद्र मोदी इज नो डेमोक्रेट। जॉर्ज सोरोस लंबे समय से भारत को कमजोर करने का सपना देख रहा है और ऐसी भारत विरोधी ताकतों की मदद सत्ता के लालच में कुछ भी कर गुजरने को तैयार कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका सोरोस से कनेक्शन आज का नहीं यूपीए की सरकार के समय से है। सोरोस का एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नामक एनजीओ भारत में राष्ट्र विरोध को बढ़ावा देने का काम करता है। इसी ओपन सोसाइटी ने साल 2007 से 8 में राजीव गांधी फाउंडेशन के पार्टनर संगठन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क यानी HRLN को 1,20,54,000 रुपए का फंड दिया था, जिसके बाद HRLN भारत के राजद्रोह कानूनों के खिलाफ अभियान चलाने लगा, जिस पर कांग्रेस की सरकार के समय कोई रोक नहीं थी। मगर मोदी सरकार में 2016 में FCRA के उल्लंघन के आरोप में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भारत में वॉच लिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस राष्ट्र विरोधी फाउंडेशन का कनेक्शन राहुल गांधी से नहीं टूटता। राहुल 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोरोस के साथ ही सलिल शेट्टी के साथ नजर आते हैं, जो उसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। सोनिया गांधी के करीबी हर्ष मंदार भी इसी फाउंडेशन के सदस्य रहे हैं। ये सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज नामक संगठन चलाते हैं, जो सोरोस के पैसों से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। और इसी एनजीओ ने CAA प्रोटेस्ट के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों को जमकर बढ़ावा दिया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह भी सोरोस की ओपन सोसाइटी इनिशिएटिव में सीनियर पद पर रह चुकी हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने अपने अमेरिकी दौरे में जिस सुनीता विश्वनाथ से मुलाकात की थी, वो भी जॉर्ज सोरोस से फंड लेती रही हैं। आज जिस जॉर्ज सोरोस को अचानक भारत का लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगा है, जब ये यूपीए की सरकार में भारत आया था तब इसे लोकतंत्र में कोई कमी नजर नहीं आई थी। आज जब भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गई है, भारत तेजी से विकास कर रहा है, तो इन बाहरी ताकतों को दिक्कत हो रही है। सत्ता के लालच में कांग्रेसी उस आदमी से हाथ मिला बैठे हैं जिसकी नीयत देश को संवारने की नहीं उसे बिगाड़ने की है, क्योंकि कांग्रेस की नीति ही यही रही है, देश जले तो जले मगर अपनी सत्ता ना हिले।